प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, कश्मीर से जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार याना मीर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इस टाइम बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, पेट्रोल क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ हमारे यहाँ पे बिजली का जो पर यूनिट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी की सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कोई भी कंट्री इस टाइम पे हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद अगर हमें यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई बात याद आती है तो वो सिर्फ कश्मीर की बात याद आती है। इन चीजों पे बात करने के लिए याना मीर हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, पूरे इस टाइम नाम है इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पे अगर हम बात करें तो। अस्सलाम वालेकुम याना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सोहेब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट पाट। ठीक है याना जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि कहीं पे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाती है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी, मतलब खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया हो, तो मेन सिटीज जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या इस तरह के एक दो सिटीज हैं वहां की हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि वहां पे देखें जी क्या मतलब खवातीन जॉब कर रही हैं, वो ऑफिस में जा रही हैं, वो अपना बिजनेस कर रही हैं, लेकिन बाकी तमाम पाकिस्तान की जो खवातीन है उनका हम जिक्र नहीं करते। एक नॉलेज के लिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या इंडिया में भी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है वो दिल्ली, बम्बई या इस तरीके से दो तीन बड़े सिटीज में ही होता है या ओवरऑल दी इंडिया ये चीज इक्वली जो है वो की जाती है? नहीं नहीं कश्मीर की जो बात होता है करें जी। वो हर जगह ऐसे ही होता है, देर इज नॉट मच डिफरेंस। मगर मैं एक चीज बताऊंगी, बिकॉज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो कंपैरिजन की, तो एक चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा है, वो है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पोलिटिकल एम्पावरमेंट एंड पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि खवातीन की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, उसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे ही रहा है, क्योंकि 190 कंट्रीज में से पाकिस्तान 100 पे था पोजीशन, ठीक है ना, और इंडिया था 140 पर। मतलब कि इंडिया में औरतों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में पाकिस्तान से भी कम थी और इवन नेपाल से भी कम थी। नेपाल की 54% जो है, हमने ये बिल इंट्रोड्यूस करा के भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन 14% से 33% कर दिया, लेकिन वो फिर भी नेपाल से कम है। अभी नेपाल में तो 54% है, मैं वो बता रही हूँ कि इस तरह हम बहुत पीछे रह गए थे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ तक कि जो स्टेट असेंबलीज है वहां तो औरतों की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 9% है इंडिया में। यानी जैसे आप कह रहे हो कि मेट्रो सिटीज से हटके अगर आप छोटे जिले में जाओ या तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाओ तो वो तो और भी कम था औरतों का। और रही बात, हाँ ये सच है कि मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में औरतें ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग है, गांव में वो तादाद कम है। लेकिन बहुत सारे, आपको तो पता ही है कि मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो खवातीन के फायदे के लिए हैं, खवातीन के मुफाद के लिए हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले जनरेशन में ये गैप कम हो जाए, कि गांव में और शहरों में जो औरतों के बीच एक इनकम पैरिटी है वो कम हो जाए। डेफिनेटली, और ये बहुत बेहतर है। और किसी भी फैमिली हो या कोई कंट्री हो, जब जब तक वहां की खवातीन एम्पावर नहीं होती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी कहा जाता है कि जब तक किसी फैमिली की औरत एम्पावर नहीं होगी वो फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगी, और इसी तरीके से कंट्री की जो वुमेन है वो एम्पावर नहीं होगी तो वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। मुझे लगता है कि ये चीज हमारे पास और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तंजीम होनी चाहिए, जिसमें जो खवातीन ओरिएंटेड तंजीम होनी चाहिए, जिसमें खवातीन, खास करके मुस्लिम खवातीन को आपस में बैठ कर ये क्वेश्चन करना चाहिए मुस्लिम लीडर्स से, जो इंडिया में मुस्लिम लीडर्स हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन पाकिस्तान में भी, ये कि चीज भाई आप हमारे मुफाद की बात क्यों नहीं उठाते? क्यों एक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो हमारे मिनिस्टर है, उनको हम किसी रिलीजन की नजर से नहीं देखते, वो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है तो वो हिंदू, वो ये सच्चाई की बात है कि है असलियत में वो हिंदू है। और एक
हिंदू को क्यों सोचना पड़ रहा है मुस्लिम खवातीन की मुफाद के बारे में, क्यों हमारे मुस्लिम लीडर्स क्यों इसमें पीछे रह गए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में जो है महिलाओं को खुद उठकर पूछना चाहिए। याना जी शायद जो मैं चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा शायद मर्दों का जो है माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि भाई खवातीन वुमेन जो सी है हमारे पे ऊपर आके रूल करेंगी, हमें ऑर्डर करेंगी या ऑर्डर देंगी, तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब मर्द तो मर्द है और ये चीजें, ये जो माइंड सेट। बिलीव मी, ये माइंडसेट इवन हिंदू फैमिलीज में भी होता है, ऐसे नहीं कि मुस्लिम फैमिलीज में। तभी तो मुझे हैरानगी है कि क्यों सिर्फ, तो फिर हिंदू लीडर्स भी तो इसका इसकी मुखालफत कर सकते थे, क्योंकि ये हिंदू फैमिलीज में भी होता है। अच्छा, कई सारी ऐसी कॉमेडी वाली वीडियो सरफेस हो रही है, जैसे कि हरियाणा से एक वीडियो आई जहां पर एक औरत ना झाड़ू फेंक देती है अपने हस्बैंड के सामने और कहती है कि आज से तू झाड़ू लगा। वो कहता है मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, तू पागल होगी। तो कहती है मैं सरपंच बन के झाड़ू लगाऊंगी, अच्छी लगूंगी क्या। मतलब यही चीज, ये एक्सेप्टेड था, इवन हरियाणा की हिंदू फैमिली भी एक्सेप्टेड था कि घर की साफ सफाई औरत ही करेगी। ऐसे ही ये बात सच नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे सोचते हैं, हिंदूज भी ऐसे सोचते हैं, मगर वो तो कर रहे हैं ना काम, और खवातीन की मुफाद के काम कर रहे हैं जी, उनके लीडर्स, तो हमारे लीडर्स क्यों नहीं कर रहे। जी ऐसा ही है ये दरअसल सोसाइटी में, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, एक सोसाइटी में कंसेप्ट शायद बन चुका है। खासतौर पे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, इंडिया में भी अगर होगा तो आप बता रही हैं। याना जी अब आते हैं कश्मीर की तरफ, हमारे यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन है, बिलीव मी हमारा तो बात करना नहीं बनता। मतलब इकोनॉमी के हवाले से जो हमारी सिचुएशन है, हम किसी इंडियन के साथ बात नहीं कर सकते, कंपेरिजन तो बहुत दूर है। अगर लेट्स सपोज इधर मेरी और आपकी डिबेट डिबेट होती है, तो मैं एक सवाल तो करूंगा, उसके बाद आप अगर कोई एक सवाल करेंगे मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाता है, और वही कश्मीर जो जहां पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उस कश्मीर का मुद्दा, इंडिया साइड कश्मीर का मुद्दा जब यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाता है, तो कश्मीर के लोग, आप क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या आप आज के दौर में क्या फील करते हैं, हंसते हैं रोते हैं क्या, मतलब थोड़ा सा बताएंगी आप। हम कुछ फील ही नहीं करते, हम इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ये बड़ा सा ऐसा टॉपिक हो गया है, ये ऐसा मौजू हो गया है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। अब बात वहां तक आ गई है, अस्पताल नहीं है वहां पर, और जहां पर है प्राइवेट अस्पताल वहां इलाज करना लोग अफोर्ड नहीं करते, वहाँ की गरीब आवाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की आवाम को नहीं मिली है, जो चीजें उनको, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में एजुकेशन सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। जिन रोड्स की का वादा किया गया था कि यहाँ रोड्स बनेंगे जिससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो नहीं दिया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके साइड का कश्मीर है, वहाँ के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं मिल। अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो, जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशंस में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब उस तरफ की हक की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि जैसे आपने बोला है कि भाई अभी इस टाइम पे इंडिया साइड कश्मीर की बात करना पाकिस्तान का बनता नहीं है, अगर बात करनी है, पैसे लेने हैं या हेल्प लेनी है, तो अपने लोगों के लिए बात की जाए। मैं इसे 100% एग्री करता हूँ, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने घर को तो देख लो, और पाकिस्तान साइड कश्मीर, क्या पाकिस्तान साइड लाहौर को ही देख लो, आप गुजरांवाला को देख लो, हमारे यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम जाके बोले जी कश्मीर में इंडिया साइड में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया साइड में ये हो गया, जबकि आप पूरी दुनिया को पता है वहां पे G20 की मीटिंग हो गई, पूरी दुनिया को पता है वहां पे। 45% सुसाइड रेट 47% है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं। और ज्यादातर लोग सुसाइड इसलिए करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो सुसाइड करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आवाम है पाकिस्तान की, क्या वो मायने नहीं रखते। अच्छा, आप देखिए चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में, ये पेटी क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं जब लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो मुद्दे हैं वो अब सर्वाइवल के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इट इज नो मोर पॉलिटिक्स, इट्स नो मोर सियासत, इट हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। एंड ह्यूमन राइट्स के नाते, इंसानियत के नाते बहुत जरूरी हो गया है कि वहां की गरीब आवाम की बात सुनी जाए और रखी जाए, और उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, जी
याना जी, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, या कभी हम जब मीडिया में देखते थे तो पाकिस्तान से कोई भी स्टेटमेंट आती थी, इंडिया के मीडिया बहुत भड़क उठता था, बहुत मतलब यह है कि वो जज्बाती उधर से भी रिस्पांस आता था। अब मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया कैनेडा का इशू हुआ, इसमें भी स्टेटमेंट दी, लेकिन इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसको जो सा वो इतना हाईलाइट नहीं किया गया। फिर इसके बाद अभी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी। और उस इतना मतलब क्या समझते हैं अब इंडिया में, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेना छोड़ गए हैं, या क्या इसमें आप अपना कहना चाहेंगी? पहले हम अक्सर देखते थे पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेते। लंबी लंबी डिबेट होती थी आपस में, एक दूसरे को, इधर से स्टेटमेंट आ रही है, वहां से, अभी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं वही कह रही हूँ, जब पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती तो हम क्या लेंगे। देखिए, जब सोहबत पे भी डिपेंड करता है, जिस तरह की सोहबत आजकल इंडिया में है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलैरिटी परवाज कर रही है, MBS के साथ उठना बैठना हो रहा है सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब उठना बैठना हो रहा है तो इंडिया जाहिर सी बात है उस चीज पे ध्यान देगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पर कैसे ध्यान जाएगा, जब सोहबत ही बदल चुकी है तो सोच भी बदल जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप देखिए इसरो के काम देखिए, कहाँ कहाँ हमने, और मेक इन इंडिया के काम देखिए, G20 जो हुआ अभी अभी, ऐसी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में परवाज कर रही है। एंड इस सिचुएशन में आप देखिए सोहबत जो हमारी है, अब मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब कोई अगर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ कंपनी रखता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कहाँ से टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ से इस चीज पे ध्यान देगा कि अली जफर क्या कर रहा है, या आप मेरी बात समझ रहे हो, या अली जफर ऐसे मीडिया प्राउड में मैटर करती हैं आपकी कंपनी, क्या मैं जाके बोल रहा है। फ्रेंड्स, अगर जी आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान सलमान खान है, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की वीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और याना मीर के दमदार और बेबाक जवाब आपको काफी पसंद आएंगे, जहां पे आपने देखा याना मीर ने तारीफ की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, और खासकर भारत की जो नीतियां हैं भारतीय मुस्लिम्स के लिए उसकी भी जमकर तारीफ की, और एक तरफ आपने देखा याना मीर ने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो भारत के ऊपर उंगली उठा सके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।